डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीसी 14 के लिए, जो सेमेस्टर 6 में आपका सीसी 14 है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक है आपका एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। तो ये टॉपिक जो है एजुकेशन एंड हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सीसी 14 में आपको यही पढ़ना है। आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल सेमेस्टर 6 का ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को सेकेंड सिटिंग में आपका सीसी 14 का एग्जामिनेशन होगा इकोनॉमिक्स में। तो आइए इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप एग्जामिनेशन के पहले आसानी से कवर कर सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेमेस्टर 6 के इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ में 3 ग्रुप पूछे जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप आंसर होता है। इसमें कुछ एक टॉपिक है, मैंने आपके लिए 10 टॉपिक्स अलॉट किया है और ये अगर आप 10 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ग्रुप बी में आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला टॉपिक आपको तैयार करना होगा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक से ग्रुप बी में क्वेश्चन आने की संभावना है, आपसे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का कंसेप्ट पूछ सकता है, इसकी अवधारणा पूछी जा सकती है। सेकेंड टॉपिक है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंडिकेटर्स, यानी जो शैक्षणिक संकेतक हैं उसका क्या अर्थ है। तो ग्रुप बी में आपसे ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानवीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग से आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप बी में कि शैक्षिक नियोजन क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैन पावर, यानी मैन पावर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शक्ति क्या है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एनजीओज। एनजीओज आपके सिलेबस में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ग्रुप बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एनजीओज के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं ग्रुप बी में, तो आप इस टॉपिक को भी तैयार कर लें, गैर सरकारी संगठन के बारे में कि इसकी क्या अवधारणा है। फिर नेक्स्ट है डिजीज बर्डन, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप बी के लिए, तो डिजीज बर्डन का क्या कंसेप्ट है आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के, एक अच्छे स्वास्थ्य के क्या क्या संकेतक हो सकते हैं, इस पॉइंट पर भी आप अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर और नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर और कम्युनिटी हेल्थ केयर से ग्रुप बी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरह से ये 10 टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं ग्रुप बी के लिए तो ग्रुप बी में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 2 घंटे का शेड्यूल का है और 2 घंटे में ग्रुप बी से आपको सिर्फ 3 प्रश्न ही करने होंगे और हर एक प्रश्न 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर। तो ग्रुप सी में मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक अलॉट किया है और ये 8 टॉपिक है। अगर ये 8 टॉपिक की तैयारी अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो ग्रुप सी में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रह सकता है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल इज एन इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इट, यानी शिक्षा जो है वह एक विनियोग है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द मेजर्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानवीय विकास क्या है और इसके सुधार के क्या उपाय हैं, इसको आप किस तरह से माप सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी के लिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है या उसकी क्या महत्व है, इसको स्पष्ट करें। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन इट्स वेरियस डायमेंशन, यानी आपसे स्वास्थ्य के कंसेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य की अवधारणा को स्पष्ट करें और स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम क्या हैं, यानी इसके जो वेरियस डायमेंशन है उसको स्पष्ट करें।
इस पर भी आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, यानी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसकी मुख्य विशेषताओं को वर्णन करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर भी आप सफिशियंट नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पुअर हेल्थ एंड पॉवर्टी, दीज आर हर्डल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी खराब स्वास्थ्य और निर्धनता जो है ये आर्थिक विकास में बाधक है, इसकी व्याख्या करें। फिर उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ WHO एंड इट्स फंक्शन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, WHO क्या है, और उसके मुख्य कारों की वर्णन करें या उसके मुख्य कारों को समझाएं। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हेल्थ, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट, यानी स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की अवधारणा को स्पष्ट करें और उसके निर्धारक तत्व कौन कौन है। तो इस तरह से ये 8 टॉपिक मैंने ग्रुप सी के लिए सेलेक्ट किया है, और ये 8 टॉपिक को आप आसानी से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। आप इसका स्नैपशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लें कंप्लीट टॉपिक का, ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह तो स्टूडेंट इस समय सिर्फ धैर्य बनाए रखने की आपको आवश्यकता है। आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने आप पर पूरी तरह विश्वास बनाकर रखें कि आप जो भी टॉपिक पढ़कर जाएंगे एग्जामिनेशन में वही सब टॉपिक आएंगे। और ये पेपर पे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है क्योंकि इसका कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हालांकि जयप्रकाश मिश्र जी की और कल्पना सिंह जी की एक किताब आई है मार्केट में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हेल्थ में, तो जिसका आप उस किताब से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 6 में CC14 में जो आपका इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन है, इस पर आप इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ जो टॉपिक है आपका, इस पर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन निश्चित तौर पर काफी अच्छा जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और ग्रुप बी में जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, ग्रुप बी की अगर आप तैयारी अच्छी तरह से करते हैं तो ग्रुप ए में भी सारे क्वेश्चन उसी से निकल कर आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू।